बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सब का समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है। दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे। पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल। पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा। बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा। अरे आशा बहू आओ आओ। सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है। अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है, जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा। जी हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।